सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेटिक वर्ल्ड। तो जैसा कि आपने प्रीवियस एक वीडियो में देखा होगा कि इस मेरे 2 फीट वाले प्लांटेड टैंक के अंदर मैंने 2 पेयर जो रेड चेयर शिम्प है वो ऐड करे थे। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि उन रेड शिम्प्स के ब्रीडिंग के लिए अलग से नया सेटअप बनाऊँ। तो आज हम वही सेटअप बनाएंगे, तो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि हम वो सेटअप किसके अंदर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो ये मैं एक बाउल लेके आया था, ये 8 इंचज़ का बाउल है और इसकी कैपेसिटी अप्रॉक्स 10 लीटर है। तो इसके अंदर इजीली हमारे 4 टू 5 पेयर श्रिम्प्स रह सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास 2 पेयर ही है, बट वो इन फ्यूचर ब्रीडिंग करेंगे तो इसके अंदर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, उसके जो बच्चे अच्छे से जितने भी रहते हैं। तो इसको मैंने बाउल को फॉर्म के ऊपर रख दिया जिससे कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप जो थर्माकोल होता है उसके ऊपर भी रख सकते हैं। और ये जो स्टैंड दिख रहा है वुडन स्टैंड है, ये मैंने खुद घर पर बनाया। और इसके अंदर जो मैंने लाइट यूज़ करी है वो मैंने LED लाइट यूज़ करी है, वो इसे सफिशियंट है इस बाउल के लिए। तो इसको अब मैं कंपोस्ट बेस्ड जो बाउल बनाऊंगा, प्लांटेड बाउल, और ये पूरा टोटली लोटेक प्लांटेड बाउल रहेगा। इसके अंदर ना फिल्टर यूज़ करेंगे, ना कोई फर्टिलाइज़र और ना CO2। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं जो कंपोस्ट है कंपोस्ट की लेयरिंग करूँगा, और कंपोस्ट की लेयरिंग अप्रॉक्स 1 इंच के आसपास करूँगा। और आप मैं ये मतलब जो हमारी नॉर्मल कंपोस्ट होती है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लीफ कंपोस्ट है और जो फ्लावर कंपोस्ट है वो मिलती नहीं। अगर आपके यहाँ पे लीफ या फ्लावर कंपोस्ट मिलती हो तो वो बेस्ट रहती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसका ज़रूर से ध्यान रखिए, जो आप कंपोस्ट लेके आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसके अंदर यूरिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूरिया से आपके पूरे प्लांट्स बर्न हो सकते हैं और जो इन फ्यूचर फिश डालेंगे कुछ भी डालेंगे वो भी मर सकते हैं। तो इसको मैं और थिक कर लेता हूँ, अभी 1 इंच नहीं हुई है, क्योंकि बाउल में होता ये है कि जो सेंटर से बाउल थोड़ा ऊपर रहता है तो हमको सेंटर से थोड़ा मतलब 1 इंच देख के चलना पड़ता है। साइड में अप्रोक्स 1 1 1.5 इंच भी हो सकता है, बट सेंटर से 1 इंच देखना है। तो सेंटर से 1 इंच कर लेता हूँ, इसके अंदर थोड़ा और डाल देते हैं। और कंपोस्ट को मैं यूज़ करने से पहले इसको मतलब छान लेता हूँ, जिससे कि जितने भी बड़े पार्टिकल रहते हैं जो स्टिक वगैरह जो भी रहती है वो सारी निकल जाती है, और जो बारीक पार्टिकल है वो बच जाता है, और जो बड़े पार्टिकल है वो हमारे प्लांट्स के लिए यूज़ आ जाते हैं, नॉर्मल जो प्लांट हम बाहर लगाते हैं गार्डन में। और इसके अंदर जो मैं है सैंड की कैपिंग कर दूंगा, बट उससे पहले जो स्प्रे कर लेंगे हम इसके ऊपर पूरा, क्योंकि स्प्रे करना ज़रूरी होता है। और स्प्रे तब तक करें जब तक आपको जो सौगी नहीं दिखने लग जाए, जो कंपोस्ट है वो सौगी नहीं दिखने लग जाए, पूरा भीगा हुआ नहीं दिखे। क्योंकि इससे होगा ये कि अपन जब इसके अंदर सैंड कैपिंग करेंगे एक तो वो ईजिली हो जाएगी सैंड कैपिंग, और अब इसकी जो एयर है कंपोस्ट के अंदर जो एयर एयर हुई होगी अंदर, वो सारी एयर बाहर निकल जाएगी। और जब हम पानी फिलअप करेंगे तो हमारी एयर कंपोस्ट के एयर के कारण हमारा जो पूरा जो पानी रहेगा बाउल का वो क्लाउडी होने से बचा रहेगा। और इसके ऊपर हम जो कैपिंग करेंगे सैंड की, तो ये मैं रिवर सैंड यूज़ करता हूँ, और जो इसको एक्सपेंसिव करना भी आपको मैं इन फ्यूचर वीडियो फ्यूचर के अंदर वीडियो डालूंगा, उसके अंदर दिखाएंगे आपको कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन सैंड रहती है रिवर सैंड रहती है उसको एक्रम सेफ कैसे करें। तो ये मैं सैंड की कैपिंग करूंगा अप्रॉक्स 1 टू 1.5 इंच, और सैंड की कैपिंग मैं ऐसे रखूंगा कि आगे से डाउन रहेगा और पीछे जाते जाते जो हाइट है कैपिंग की वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में स्टेम प्लांट लगाऊंगा तो थोड़ा हाइट पे दिखे तो दिखने में भी अच्छा लगता है। और आप चाहें तो आप सैंड की जगह आप मतलब जो हमारी शुगर सैंड आती है जो एक्रम शॉप्स में मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो रिवर सैंड है इससे नेचुरल लुक आता है, नेचर लुक आता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए मैं जो मेरे दूसरा 2 फुट वाला प्लांटेड टैंक है जो पास में रखा हुआ है उसके अंदर भी मैंने रिवर सैंड यूज़ करी है। तो इसके अंदर मैं और कैपिंग करूँगा, तो ये हमारा हो चुका है अप्रॉक्स, पीछे से आप देख सकते हो थोड़ा हाइट है। अब इसके अंदर भी मैं स्प्रे कर लूँगा, क्योंकि स्प्रे करने से वही होगा कि जिसके डस्ट पार्टिकल वो मतलब नीचे बैठ जाएंगे और पानी भरने पर क्लाउडी नहीं होगा हमारा पानी, तो उसको भी पूरा अच्छे से सौगी कर लेंगे। स्केप वो रेडी करेंगे, और हार्ड स्केप के लिए मैं स्टोन यूज़ करूँगा ओनली। तो
फर्स्ट इसके अंदर अप्रॉक्स 2 स्टोन यूज़ करूँगा क्योंकि फिर पूरा प्लांटिंग के लिए जगह नहीं बचेगी। तो और ये स्टोन भी मैं कोई शॉप वॉप से लेके आई, हमारी रेलवे लाइन है उसके पास में पड़े हुए थे तो वहाँ से लेके आया मैं स्टोन। और जो स्टोन एक्वेरियम सेफ है या नहीं वो कैसे पता करें उसकी वीडियो मैं फ्यूचर में डालूंगा कि कैसे आप टेस्ट करके पता कर सकते कि एक्वेरियम सेफ है या नहीं। तो इस पर मैं टेस्ट कर चुका हूँ, ये एक्वेरियम सेफ था इसलिए मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने टॉप पे है मैंने मॉस टाइप कर रखी है। तो श्रिम्प्स का जो भी आप टैंक सेटअप करें, बाउल सेटअप करें, कुछ भी सेटअप करें, उसके अंदर जो हमारा मॉस होना ज़रूरी होता है क्योंकि श्रिम्प्स को मॉस पसंद होती है, उसके ऊपर ही ग्रेजिंग करते रहते हैं। तो श्रिम्प के जो टैंक बनाए आप, बाउल बनाए, उसके अंदर मॉस ज़रूर से ऐड करें। और ये मेरा दूसरा टैंक है, इसके ऊपर मैंने जो बैक साइड है उस पर मैंने मॉस टाइप कर रखी है। बैक साइड में इसलिए कर रखी क्योंकि जो मेरी लाइट है वो इसके बैक साइड पर पड़ेगी। तो मॉस के अंदर स्पेशली ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो मॉस हम लगा रहे हैं स्टोन पे या फिर किसी भी वुड पे, तो उसके उस पार्ट पे लगाएं जहाँ पे हमारी जो लाइट है वो डायरेक्ट आती हो। शेडी पार्ट पे नहीं लगानी चाहिए मॉस, क्योंकि उससे फिर मॉस की ग्रोथ नहीं होती, मॉस की ग्रोथ रुक जाती है और मे बी हो सकता है कि मॉस मेल्ट हो जाए, डेड हो जाए। तो इनको मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो अब इनके अंदर हम प्लांट जो चूज़ करें हैं वो मेरे यही है, हाइग्रोफिला स्ट्रिक्टा और ये बकोपा कैरोलिनाना, ये सेजिटेरियस सुब्लाटा हो गया, नीचे की तरफ ये क्रिप्टोपोरियन और ये वेल्सनेरिया रखा हुआ है। तो ये सारे मेरे जो 2 फीट वाले प्लांट टैंक है उसमें से निकाले मैंने, क्योंकि ग्रोथ हो रही थी उसके अंदर तो मैंने निकाल लिए, दूसरे और ग्रो हो जाएंगे उसके अंदर। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम पानी फिलअप कर लेंगे। तो इसके अंदर मैंने पानी हाफ फिलअप कर लिया था, पानी मतलब थोड़ा हाफ फिलअप करने से जो प्लांटिंग करते हैं वो प्लांटेशन करने में ईजी रहता है, और मतलब जो प्लांट है हमारे वो हमारे जो ट्वीज़र है उसके साथ वापस बाहर नहीं आते, तो इसलिए मैं पानी भर के हमेशा पानी भर के ही प्लांटेशन करता हूँ। तो अब इसके अंदर हम प्लांट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्लांटेशन की वीडियो करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। प्लांटेशन हो चुका था और उसका जो पानी था वो हमने क्लाउडी हो गया था इसलिए मैंने उस पानी को निकाल दिया। अब इसके अंदर हम नया पानी वापस फिलअप करेंगे। तो पानी फिलअप हम कर चुके हैं बट फिर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत क्लाउडी है, तो इतना क्लाउडी पानी तो चलता है क्योंकि थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल घुली जाता है पानी के अंदर, उससे थोड़ा क्लाउडी हो जाता है। बट ये जो क्लाउडीनेस है ये हमारी अप्रॉक्स 24 आवर के अंदर मतलब क्लियर हो जाएगी, सारा जो भी डस्ट है वो सारी मैं नीचे बैठ देगी और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ये प्लांट्स को भी सेटअप कर देगी क्योंकि सारे प्लांट्स हो चुके हैं डाउन। तो ये हमारा फ्रंट लुक है बाउल का, अभी इतना ठीक नहीं दिख रहा बट जब प्लांट सेट हो जाएंगे, ग्रो होंगे अच्छे से, तब इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वेट फॉर 24 आवर्स।
तो हमारे ये 24 आवर के बाद की जो वीडियो क्लिप है इसमें देख रहे होंगे आप, जो पानी है वो क्लियर हो चुका है हमारा। थोड़ा आपको ऊपर से भी लुक बताया तो कैसा दिख रहा है ऊपर से देखने में, तो आप देख सकते हैं पानी हमारा क्लियर हो चुका है और सारे प्लांट्स भी सही हो चुके हैं। तो अब इसको हम साइक्लोन देंगे, अप्रॉक्स 1 मंथ मान लीजिए, 25 to 30 days इसको साइक्लोन देना चाहिए हमको, क्योंकि ये हमने ही हमारा कंपोस्ट पे सेटअप करा है और कंपोस्ट के अंदर थोड़ा बहुत अमोनिया अगर हो तो वो हमारा पानी चेंज करने से जो अमोनिया लेवल है वो डाउन हो जाए और श्रिम्प के लिए पूरा बाउल है वो हमारा सेफ हो जाए। तो पानी चेंज कैसे करना है, मतलब वीकली, फर्स्ट वीक के अंदर हमको डेली करना है, सेकंड वीक के अंदर हमको 2 दिन छोड़ के करना है और थर्ड वीक के अंदर हमको वीक में 2 बार करना है बस। फिर उसके बाद हम इसके अंदर श्रिम्प इजीली ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।